प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। जॉर्ज मुल्लर एक अनाथ आश्रम चला रहे थे। उस अनाथ आश्रम में बहुत सारा बच्चे लोग थे। एक बार अनाथ आश्रम बच्चे लोग के लिए सुबह उनको खाना देने के लिए, नाश्ता देने के लिए कुछ भी नहीं था। जॉर्ज मुल्लर के पास पैसा भी नहीं था। सुबह बच्चे लोग को नाश्ता देने के लिए टाइम आया। जॉर्ज मुल्लर ने सभी बच्चे लोग को बुला के बिठाया और सभी बच्चे लोग को एक एक प्लेट, एक एक टम्बलर रखा, मगर उसमें खाना देने के लिए कुछ भी नहीं था जॉर्ज मुल्लर के पास। मेरा सच्चा परमेश्वर, जीवित परमेश्वर यीशु मसीहा हमारे लिए अद्भुत कार्य करेंगे। अभी हमारे लिए सबके लिए अच्छा सा खाना देंगे परमेश्वर यीशु मसीहा। काली प्लेट, काली टम्बलर रखने के बाद जॉर्ज मुल्लर ने प्रार्थना करना शुरू किया। सभी बच्चे लोग के साथ जॉर्ज मुल्लर ने भी प्रार्थना किया। मेरा प्यारा पिता, जीवित परमेश्वर यीशु मसीहा, हमने बाइबल में पढ़ा है प्रभु यीशु मसीहा, आपने बाइबल में बहुत मिरेकल काम किया है, अद्भुत कार्य किया है। वही अद्भुत कार्य हमारे लिए भी करने वाले हैं आप। इन बच्चों के लिए अच्छा सा खाना देंगे, नाश्ता देंगे, उसके लिए धन्यवाद प्रभु यीशु मसीहा। ऐसे जॉर्ज मुल्लर ने प्रार्थना करके आमीन 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 बोला। उसी टाइम दरवाज़ा खटखटाने का आवाज़ आया। जाके दरवाज़ा खोला तो वहाँ पर एक रोटी बनाने वाला खड़ा हुआ था। रोटी बनाने वाले ने बोला, पूरी रात मुझे नींद नहीं आया। मेरा मन में लगा, आज सुबह सुबह बच्चे लोग को खाना देने के लिए, नाश्ता देने के लिए कुछ भी नहीं है, इसीलिए मैं सुबह 2 बजे से बहुत सारा रोटी खाना बना के लेके आया हूँ। ऐसे रोटी वाले ने जवाब दिया। उसके बाद तुरंत और एक दरवाज़ा खटखटाने का आवाज़ आया। वहाँ पर जाके खोल के देखा तो बाहर एक दूध वाला खड़ा हुआ था। उस दूध वाले ने बोला, मेरा एक दूध की वैन है, मेरा गाड़ी इस अनाथ आश्रम के पास आके खराब हो गया है, अगर उसको ठीक करना है तो उसमें दूध सारा काली करना पड़ेगा। अपने वैन में सारा दूध को मैं इस अनाथ आश्रम को देना चाहता हूँ, आप ले लो करके उस दूध वाले ने रिक्वेस्ट किया। जिंदा परमेश्वर, जीवित परमेश्वर यीशु मसीहा, उस दिन सुबह बच्चे लोग को खाना दिया, नाश्ता दिया, बहुत बड़ा अद्भुत कार्य हुआ। जॉर्ज मुल्लर ने प्रभु यीशु मसीहा को धन्यवाद किया। प्रिय मसीह में भाई बहन, आओ हम बाइबल से एक वचन पढ़ते हैं। रोमियो 12:13 हम पढ़ेंगे, पवित्र लोगों को जो कुछ आवश्यक हो उसमें उनकी सहायता करो, भलाई करने में लगे रहो। आमीन, हालेलुया।